हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का अचार। और कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ आपको, और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी आपको। और बहुत टेस्टी बनता है ये अचार। आप लोग डालेंगे इसमें, कुछ नहीं डालना है, ना इसमें तेल डालना है। और मतलब किस तरह से मैं ये बनाऊँगी, बहुत आसान तरीके से आप लोग डाल सकते हैं, और इतना स्वादिष्ट बनता है। और देखिए, नींबू एक जैसे नींबू हैं हमारे, ये देखिए। सिर्फ नींबू आपको अच्छे लेने हैं, और बाकी इसमें कुछ सामान ही डलेगा, जो आपके घर में सामान है आप उसी से इसको बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ऐसे पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। तो देखिए, हमने इसे साफ़ कर लिए हैं। अब मैं इसका बताती हूँ कि इसको कैसे डालना है अचार को। बहुत आसानी से ये घर में बन जाता है। आप इसे डालेंगे, आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये घर में डालेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से कट करेंगे, हल्का सा कट मारेंगे इसमें। बस इतना कट मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे कट, क्योंकि अभी हमें इसे पानी में उबालना है। इसी तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पानी खोलने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें, जब ये पानी खोल जाएगा तब हम इसमें नींबू डालेंगे और इसको खोलाएंगे 2 मिनट तक। फिर इसका जितना भी कड़वापन है सब निकाल देंगे पानी का। फिर दोबारा से खोलने रखेंगे, फिर वो नींबू डाल देंगे हम, फिर उसका कड़वापन है सब निकाल देंगे। और 2 दिन में 3 दिन में ये तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा अभी नींबू का अचार तैयार नहीं हुआ है। 2-3 दिन में आप खा सकते हैं। और ज़्यादा आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। नमक, मिर्ची और हींग, ये 3 चीज़ें आपको डालनी है इसमें, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इन 3 चीज़ों से ये तैयार हो जाता है। ना तेल डालने की ज़रूरत है इसमें, कुछ नहीं। सिर्फ उबाल के आप इसमें अचार डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। नींबू आप जब ही डालेंगे जब ये पानी खौल जाएगा, पहले से नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए, पानी खौलने वाला है हमारा ये। अब हम इसमें नींबू डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे इस तरह से। इसका पानी मैं कम कर देती हूँ ताकि हमारे और नींबू भी आ जाएं। मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ पानी। तो चलिए, मैं और डाल देती हूँ नींबू इसमें। तो देखिए, मैंने डाल दी इसमें नींबू, थोड़े से नींबू मैंने इसमें भी डाल दिए ताकि इसमें भी उबल जाएं, क्योंकि इसमें आ नहीं रहे थे तो मैंने फ्राईदन में अलग उबलने रख दिए। जो हमने इसमें पानी गर्म निकाला था वो उसी में डाल दिए नींबू। तो चलिए, खोलने देते हैं इसे। अब इसे 2-3 मिनट तक हम खोलाएंगे, जितना भी इसका पानी कड़वा होगा हम सारा इसे बाहर निकाल देंगे। देखिए, इसका भी पानी खोलने लगा।
और ये भी हमारे देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ ताकि इसका जितना भी कड़वापन है निकल जाए। और पानी खोलने से देखिए हमारे नींबू भी गल गए और इसका कड़वापन भी निकल गया। तो एक बार ज़रूर बनाना गाइस, क्योंकि इतना टेस्टी अचार होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए मैंने इसे एक बार निकाल लिया इसमें से, एक बार मैं और खोलाऊंगी इसे और हल्का सा 1 मिनट तक खोलाऊंगी अच्छे से, फिर इसका जितना कड़वापन होगा इसको मैं दोबारा से निकाल लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से अचार डालेंगे हम इसका। ऐसे ही ये भी पानी खोल जाए फिर मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ। मैंने इसको प्लेट ढक दी ताकि जल्दी से खोल जाए, और इधर भी खोलने के लिए रखा हुआ है पानी ताकि जो बच जाए मैं दोबारा से इसमें डाल दूँ। तो चलिए मैं नींबू डाल देती हूँ। गैस मैंने मंदी कर दी ताकि मेरे पर छींट ना आए। तो देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, ये देखिए, और जो हमारा नींबू का छिलका है वो भी गल चुका है। और इसी तरह से मैंने इसमें भी उबाला है। छिलका हमारा गल चुका है हल्का हल्का। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए इसका पानी हमने निकाल लिया। तो देखिए गल भी गए ये। तो देखिए हमने नमक ये निकाल लिया, ये सेंधा नमक है, 250 ग्राम हमने नमक लिया ये, 2 किलो नींबू है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिर्ची, ये देखिए हमने नमक में ही मिर्ची डाल ली है। तो देखिए ये हींग डालूंगी मैं इसमें। तो देखिए डिब्बी में मैंने थोड़ी सी रोक ली है, बाकी सारी निकाल ली है मैंने ये। हींग अच्छे से भून के हल्का ब्राउन कलर आ जाए इसमें। तब मैं इसे निकालती हूँ। तो देखिए हींग भून चुकी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए नमक और मिर्ची मैंने जो इसमें डाली हुई है, अब इसी में मैं डाल देती हूँ हींग भुनी हुई। तो देखिए हींग भी मैंने डाल दी। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। तो देखिए नींबू हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसमें मसाला लगा देती हूँ।
तो देखिए ऐसे इसको खोल के इसमें नमक डालना है इस तरह से। इस तरह से आपको ऐसे मिलाना है नमक और हींग। मिर्ची मैंने इसमें 2 चम्मच डाली है, मिलाइए जब इस तरह से। एक और दिखाती हूँ मैं आपको। इसको खोल के इस तरह से नमक डाल देना है इसमें इस तरह से। तो देखिए हमने इसमें नमक लगा लिया सब में। आप एक बार इस अचार को डालेंगे इस तरह से, नींबू के अचार को डालेंगे तो आप बार बार डालेंगे, इसका टेस्ट मुंह से नहीं जाता, बहुत टेस्टी बनता है ये अचार। अब हम इसे डिब्बे में रख देंगे और धूप में कल रखेंगे डब्बा अपना, तो ये जल्दी पकेगा और बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी बनेगा ये अचार। तो देखिए हमने डब्बे में रख लिया इसे, अब कल जब धूप आएगी तब मैं इसे धूप में रखूंगी। 2-3 दिन में ये इतना अच्छा टेस्ट इसका आएगा। और अच्छे से और भी पक जाएगा, क्योंकि पक तो चुके हैं ये, क्योंकि मैंने उबाला है इसे। तो गाइस मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट ज़रूर करें लाइक ज़रूर करें। तो देखिए मेरा रेडी हो चुका है अचार, बहुत टेस्टी टेस्टी खट्टा।